Hey guys, मेरा नाम अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं इंडियन बजट गेमर। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक नए बजट सेगमेंट के ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। फाइनली यहाँ पर AMD ने आज की डेट पे RX 7600 को लॉन्च कर दिया है, जिसको कि अगर आप मार्केट में लेने आज के टाइम पे जाते हो तो वो आपको 27,500 रुपए के आसपास देखने को मिल जाता है। अब ये कार्ड इस प्राइस रेंज पे जो आपको परफॉर्मेंस ऑफर कर रहा है ना भाई, वो काफी ज्यादा अच्छा था और जिस प्राइस पॉइंट पे आ रहा है वो भी एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी पॉइंट हो जाता है जब आप इसका परफॉर्मेंस देखते हो। मैंने सोचा एक काम करते हैं, इस कार्ड के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाते हैं और आप लोग बताते हैं इस कार्ड के साथ को जाना चाहिए या नहीं, या सिमिलर प्राइस पॉइंट पे आपके पास कौन कौन से और भी ऑप्शन आ जाते हैं। अब इस वीडियो में जिस ग्राफिक्स कार्ड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं ना, वो आता है सफायर की तरफ से, यानी कि AMD का सफायर RX 7600, जो कि आपको 8GB की VRAM ऑफर कर देता है। अनबॉक्सिंग वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो बॉक्स में यहाँ पर आपको काफी छोटा सा ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलता है जो कि काफी क्यूट सा लगता है। यहाँ पर आपको केवल दो ही फैंस देखने को मिल जाते हैं और मैं मानता हूँ मेरी टेस्टिंग में ये दो फैंस इस ग्राफिक्स कार्ड को अच्छे से कूल रख लेते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलती। बाकी बात करें अगर इस ग्राफिक्स कार्ड के स्पेक्स के बारे में, तो यहाँ पर मैं एक स्क्रीनशॉट अटैच कर दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके डिटेल में पढ़ सकते हो। साइड में मैं RX 6600 और 6650 XE के भी स्पेक्स को अटैच कर दे रहा हूँ, ताकि फॉर द कंपैरिजन आप लोग को भी यहाँ पर अच्छे से आइडिया हो जाएगा। अब आई नो, हो सकता हो ज्यादातर लोग को स्पेक्स समझ में नहीं आ रहे होंगे, एंड दैट इज कम्प्लीटली फाइन। दैट इज वाई हम लोगों ने यहाँ पर इस ग्राफिक्स कार्ड को बेंचमार्क भी किया है। अब हम लोगों ने यहाँ पर जो टारगेट रेजोल्यूशन सेट कर रखा ना, यानी कि बेंचमार्क जिस रेजोल्यूशन पे गेम्स को किए हैं, वो केवल 1080p रेजोल्यूशन ही रखा है, क्योंकि AMD ने इसे एज अ 1080p ग्राफिक्स कार्ड ही लॉन्च किया है। तो हम लोग इसे 1440p या 4K रेजोल्यूशन पे टेस्ट नहीं करेंगे। हालांकि अगर आप 1440p लेवल की गेमिंग करना चाहते हो ना, तो ये ग्राफिक्स कार्ड उसके भी कैपेबल है, आप लोग आराम से कर सकते हो। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो गेम चलाया था वो चलाया था काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव। इस गेम को चलाया था 1080p मीडियम सेटिंग पे। RX 7600 के केस में यहाँ पर जो मैं एवरेज FPS देखने को मिले ना भाई, वो है 560, जो कि मैं मानता हूँ CSGO खेलने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वही अगर आप इसको कंपेयर करते हो RX 6650 XE से ना, तो वहाँ पर आपको 511 FPS देखने को मिल जाते हैं और वहाँ पर भी आपको काफ़ी प्लेबल FPS देखने को मिलता है, लेकिन डिफरेंस काफ़ी बड़ा होता है। उसके बाद यहाँ पर जब हमने गेम चलाया था वो चलाया था साइबर पंक। इस गेम को चलाया था 1080p हाई सेटिंग पे और रे ट्रेसिंग को और DLSS को, जितनी भी स्केलिंग टेक्नोलॉजी है ना, उसको ऑफ कर रखा है। RX 7600 के केस में यहाँ पर जो मैं FPS देखने को मिले ना भाई, वो काफ़ी अच्छे हैं। एवरेज यहाँ पर हमें लगभग 88 FPS देखने को मिल जाते हैं और मिनिमम जाता है 65 FPS। वही 6650 XE के केस में यहाँ पर जो मैं एवरेज FPS देखने को मिलते हैं, वह है 76 FPS और मिनिमम जाता है 59 FPS। वहाँ पर भी एक्सपीरियंस आपका अच्छा होता है, लेकिन दोनों के बीच अच्छा खासा डिफरेंस रहता है। उसके बाद यहाँ पर जो मैंने गेम चलाया था वो चलाया था Assassin's Creed Valhalla। इस गेम को चलाया था 1080p हाई सेटिंग पे। RX 7600 के केस में जो मैं FPS देखने को मिले भाई, वो बहुत ही फैंटेस्टिक है। एवरेज यहाँ पर हमारा जाता है 112 और मिनिमम जाता है 61 FPS। तो ये गेम जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्लेबल रहता है। वही अगर आप 6650 XE को देखते हो ना, तो वहाँ पर आपको एवरेज मिलता है 105 FPS का और मिनिमम जाता है 54 FPS। वहाँ पर भी गेम प्लेबल रहता है, लेकिन दोनों के बीच ऑलमोस्ट 10% का डिफरेंस रहता है। उसके बाद यहाँ पर जो हम लोगों ने गेम चलाया था वो चलाया था डाइंग लाइट 2। ये बहुत ही GPU इंटेंसिव गेम है और एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ रहे, ऐसा बहुत कम चांसेस होते हैं। RX 7600 के केस में हमें जो FPS देखने को मिले हैं, वो है लगभग 86 FPS और यहाँ पर मिनिमम जाता है 36 FPS। वहीं यहाँ पर अगर आप RX 6650 XE को देखते हो ना, तो वहाँ पर आपको एवरेज देखने को मिलता है 85 FPS का और मिनिमम जाता है 68 FPS। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि 6650 XE के जो बेंचमार्क है वो थोड़े से पुराने हैं, 7600 के मैंने थोड़े दिन पहले लिए हैं, तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं है कि RX 7600 के केस में जो लोस गए हैं ना, वो इतने कम क्यों गए हैं। ये ड्राइवर इशू है, गेम का इशू है, मुझे इस चीज़ से क्लियर नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत आज के गेम में लैग देखने को मिला। नेक्स्ट गेम यहाँ पर जब मैं चलाया वो चलाया था फायर क्राई 6। इस गेम में चलाया था 1080p अल्ट्रा सेटिंग पे। RX 7600 केस में जो हमें FPS देखने को मिले ना, वो काफ़ी अच्छे हैं। एवरेज यहाँ पर मैं देखने को मिला है वो है 123 FPS और मिनिमम जाता है 100 FPS। वही अगर आप RX 6650 XE को देखते हो ना, तो वहाँ पर आपको जो एवरेज देखने को मिलता है वो है 101 FPS और मिनिमम जाता है 80 FPS। तो दोनों के बीच यहाँ पर ऑलमोस्ट 20 FPS का डिफरेंस रहता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पर जो हमने चलाया था वो चलाया था फोर्जा 5। इस गेम को चलाया था 1080p हाई सेटिंग पे। RX 7600 के केस में जो हमें FPS देखने को मिले ना, वो फैंटास्टिक है, यानी कि एवरेज देखने को मिलता है 146 FPS और मिनिमम जाता है 126 FPS। वही अगर आप RX 6650 XE के केस में देखते हो ना, तो वहाँ पर आपका एवरेज जाता है 136 FPS और मिनिमम जाता है 118 FPS।
तो दोनों के बीच यहाँ पर आपको लगभग 5-6% का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अब यहाँ पर अगर आप इतने सारे गेम्स के बेंचमार्क को देखते हो और मेरी टेस्टिंग के हिसाब से एवरेज निकालते हो ना, तो लगभग दोनों ही ग्राफिक्स कार्ड के बीच में 10% का डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन मैंने एक चीज ये भी नोटिस करी, जब दूसरे रिव्यूवर्स ने और भी बहुत सारे गेम्स को बेंचमार्क करा, लाइक 20-30 गेम्स को, तो उनके बीच जो डिफरेंस देखने को मिला था ना ये दोनों कार्ड के बीच में, वो था लगभग 5% के आसपास। तो आप ये मान के चलो RX 7600 और RX 6650 XT के केस में जो डिफरेंस बैठता है वो लगभग 5% के आसपास बैठता है। वहीं यहाँ पर अगर आप पावर कंजम्पशन को देखते हो तो दोनों ही ग्राफिक्स कार्ड का जो पावर कंजम्पशन है पीक पे वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो पावर रिलेटेड कोई इशू आपको फेस नहीं होने वाली। 550 वॉट 650 वॉट पावर सप्लाई इज मोर देन इनफ। वही जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये कार्ड डुअल फैन ग्राफिक्स कार्ड है, कहीं ऐसा तो नहीं भैया यहाँ पर हमें हीटिंग इशू देखने को मिले, तो मैं आपको बता दूं मेरी टेस्टिंग के टाइम हमें यहाँ पर जो मैक्सिमम टेम्परेचर देखने को मिला है वो लगभग 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा है, जो कि मैं मानता हूँ थोड़ा सा टोस्टी है लेकिन कोई कंसर्निंग नहीं है, ठीक है। लॉन्ग टर्म पे अगर आप बहुत ज़्यादा गेमिंग करते भी हो ना तो आपका टेम्परेचर 85 से ज़्यादा तो नहीं जाने वाला, जो कि मैं मानता हूँ एक सेफ पॉइंट है। इन कंक्लूजन मैं आपको बताऊँ, अगर आप आज की डेट पर नया ग्राफिक्स कार्ड लेने निकल ही रहे हो और आपका बजट 25-26 हज़ार रुपए के आसपास है ना, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग ना RX 6650 XT के साथ चले जाओ। यहाँ पर आपको केवल 2-3 FPS कम मिलेंगे देखने में, लेकिन ओवरऑल जो आपको परफॉर्मेंस मिलेगा ना वो RX 7600 के आसपास ही देखने को मिलेगा। वही जो लोग थोड़ा बहुत और एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी कि 30 हज़ार रुपए तक जा सकते हैं, वो लोग RTX 4060 के साथ भी जा सकते हैं। 4060 थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर है, लेकिन जब आप उसका परफॉर्मेंस देखते हो ना RX 7600 के कंपैरिजन में, वो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। और अगर आप RTX 4060 के साथ चले जाते हो तो वहाँ पर आपको फ्रेम जनरेशन DLSS 3.0 का भी बेनिफिट देखने को मिल जाता है, जो कहीं ना कहीं NVIDIA साइड पर थोड़ा सा एज प्रोवाइड कर देता है। वेल तो दोस्तों यही था मेरा रिव्यू RX 7600 का। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं ऐसे डेली ऑसम कंटेंट। तो तब तक देखने के लिए थैंक यू।